खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इसी उद्घोष के साथ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है। महाराष्ट्र भर में लोग अपने घर पर छोटी बड़ी गणेश मूर्तियों को स्थापित करते हैं, बड़े सार्वजनिक पंडाल बड़े गणेश मूर्तियों को स्थापित करते हैं। मैं एक ऐसे ही मुंबई के घाटकोपर इलाके के कार्यशाला में हूं और यहां देखिए सैकड़ों मूर्तियां हैं गणेश भगवान की, सुंदर खूबसूरत मूर्तियां, और इन मूर्तियों को मूर्तिकार उन ग्राहकों को दे रहे हैं जिन्होंने पहले से ही गणेश मूर्तियों की बुकिंग की थी। क्या नाम है आपका? राजम, सुधीर राजम। राजम जी, आज गणेश चतुर्थी है, बहुत उत्साह है, कितनी बुकिंग हुई है और सुबह से अब तक कितने श्रद्धालु आकर मूर्ति ले जा चुके हैं? 550 मूर्ति बुक हो गई हमारी, पूरी फुल हो गई है, और अभी तक 300 गणपति गई है, 200 बाकी है जाने की। 550 गणेश मूर्तियों की बुकिंग इस कार्यशाला में हुई है और आप देखें तो तमाम जो गणेश मूर्तियां हैं उनको पैक करके रखा गया है, सभी के नंबरिंग कर दी गई है और 550 में से करीब 300 गणेश मूर्तियों को श्रद्धालु अपने घर ले जा चुके हैं और 200 और गणेश मूर्तियों को ले जाएंगे। तो पूरी बुकिंग हो चुकी थी, गणेश मूर्तियों को बनाया जा चुका है और देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत गणेश मूर्तियां हैं। और जैसे जैसे श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी बुकिंग नंबर बता रहे हैं, उस बुकिंग नंबर के अनुसार वो अपनी मूर्तियों को लेकर अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखिए बप्पा की बहुत छोटी सी मूर्ति और इसके बगल में खूबसूरत शिवलिंग को अपने पास रखे हुए गणपति बप्पा, ये खूबसूरत मूर्तियां हैं जिन्हें श्रद्धालु अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और ऐसे देखिए बाहर कतार लगी हुई है, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो गणेश मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं। देखिए ले जाने से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना आरती की जाती है और ये देखिए एक जो गणेश मूर्ति जिसे श्रद्धालु अपने साथ ले जाएंगे वो फिलहाल पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद वो इस गणेश मूर्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने अपने साथ लाए हुए वाहन से अपने घर पर ले जाते हैं। कुछ लोग गणेश मूर्तियों को 1.5 दिनों तक के लिए स्थापित करते हैं, कुछ लोग 5 दिनों के लिए स्थापित करते हैं, कुछ लोग 7 दिनों के लिए, कुछ 9 और तो कुछ 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। अलग अलग अपने गाड़ियों और वाहनों से ले जाते हैं। देखिए ये रिक्शा है, इस रिक्शे में जो श्रद्धालु बैठे हैं उनके गोद में गणेश जी हैं, तो वो इस प्रकार से अपनी अपनी आस्था श्रद्धा है और गणेश जी को अपने घर पर ले जाएंगे और विराजमान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ ऐसे श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए आप? भटवाड़ी। कितने साल से रख रहे हैं गणेश मूर्ति अपने घर पर? 6 साल से। आज गणेश चतुर्थी है, कितना घर में उत्साह खुशी है? बहुत 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 खुशी है आज, बहुत पूरा फैमिली खुशी में है। आप बताएं गणपति बप्पा आज आपके घर आ रहे हैं, कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। तीन साल से रख रहे हैं, 6 साल से। जी, तो ये देखिए परिवार के लोग हैं जो पिछले 6 साल से अपने घर पे गणेश मूर्ति की स्थापना करते हैं और इस बार भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और देखिए ऐसे ही जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संख्या बढ़ती जाएगी और जिन्होंने बहुत पहले से ही गणेश मूर्तियों की बुकिंग की थी अपनी बुकिंग के अनुसार वो गणेश मूर्तियों को अपने घर ले जाएंगे और गणेश मूर्तियों को स्थापित करेंगे। तो ये अपनी आस्था जो गणेश भक्त अपने तरीके से जाहिर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह दिखता है। तो अब पूरे महाराष्ट्र भर में, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है गणेश उत्सव, पूरे महाराष्ट्र भर में सिर्फ गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इसी के उद्घोष सुनने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जोश और उत्साह है और गणपति बप्पा की भक्ति में अब 11 दिनों तक महाराष्ट्र के लोग डूब जाएंगे। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।